सबसे इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ने से पहले आज देख लेते हैं, कल रात को कंपनी का एक न्यूज लेटर आया और न्यूज लेटर में क्या क्या लिखा है ये एक बेसिक जानकारी मैं आपको फटाफट दे देता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके। हाँ दोस्तों, जो न्यूज लेटर है उसमें ये सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो ये है कि करंटली प्ले स्टोर पे जा लाइफस्टाइल का कोई भी ऐप कंपनी ने अपलोड नहीं किया है और जितने भी ऐप जा लाइफस्टाइल के नाम पे करंटली गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो सारे फेक ऐप्स हैं। तो आप इस ऐप से बच के रहिए, गलती से भी इन ऐप्स को आप आपके मोबाइल पे डाउनलोड मत कीजिए। अगर आपने डाउनलोड किया है तो इमीडिएटली ये उसको निकाल दीजिए आपके मोबाइल से, अनइंस्टॉल कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स बनाए गए हैं जो लोग बोलते हैं ना आपका डेटा शायद जमा करने के हिसाब से बनाए गए हैं, तो आपका डेटा लीक ना हो इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट कर रही है जा लाइफस्टाइल कि प्लीज अपने आप ऐसे मोबाइल जो ऐसे ऐप्स हैं वो आप आपके मोबाइल पर ये मत करिए, इंस्टॉल मत करिए। अगर आपने किया होगा तो उसे यूज मत करिए, उसको निकाल दीजिए तुरंत। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। प्लीज सबसे कहूंगा ऐसे कोई भी ऐप्स प्ले स्टोर में जाकर ये इंस्टॉल मत कीजिए। जब कंपनी अपना खुद का ऐप लॉन्च करेगी तब आपको ऑफिशियल उसका कंफर्मेशन देगी न्यूज़लेटर के माध्यम से, उस ऐप का कैसा ये होगा, लोगो कैसा होगा, वो सारी चीजें आपको पता चलेगा और ये ऐप अवेलेबल रहेगा हमारे खुद के वेबसाइट पर, तो आपको प्ले स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तब तक सब्र रखिए, प्लीज ऐसे कोई भी गलत ऐप्स मत डाउनलोड कीजिए जिसकी वजह से आपका आईडी पासवर्ड शायद लीक हो सके। चलिए सेकेंडली ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कल शाम को भी मैंने कहा था, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो लोगों से बड़ा पैसा ऐंठ रहे हैं पर्सनल वेरिफिकेशन के नाम पर। इस कंपनी में अगर किसी को भी ज्वाइन करना है, मतलब पर्सनल वेरिफिकेशन करना है, ज्वाइनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन अगर पर्सनल वेरिफिकेशन करना है तो उसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 1109 रुपया। अगर उससे 1 रुपया ज्यादा कोई पैसा आपसे मांग रहा है तो गलती से भी मत दीजिए, और अगर ऐसा किसी का आपने पैसा दिया होगा तो इमीडिएटली हमें कंप्लेंट कीजिए, ऐसे लोगों के ऊपर हम डेफिनेटली एक्शन लेंगे। और ऐसे लोग जो आज के तारीख में भी अगर आप लोगों को अपना जेब भरने के लिए किसी से 1200, किसी से 1600, किसी से कोई लोग तो 3000 तक ले रहे हैं, लोगों को बोलते हैं ना गलत फायदा, गलत ये दिखा कर कि हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, हम आपको क्रिप्टो कॉइन दे रहे हैं, इसकी लाखों में वैल्यू है, ऐसी चीज़ें बोलकर उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे अगर कोई लोग आपको अगर भ्रमित कर रहे हैं तो प्लीज उन पे विश्वास मत कीजिए। आपको ये कंपनी जो शेयर्स और क्रिप्टो दे रही है वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, उसके लिए कंपनी 1 रुपया नहीं ले रही है। इसके लिए गलती से भी अगर कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए तो उसे एंटरटेन मत कीजिए, और पहली बात तो 1109 रुपए के ऊपर 1 नया पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसी में सारा जीएसटी आ जाता है, बैंकिंग चार्जेस आ जाते हैं और सब कुछ आ जाता है, उसके ऊपर 1 रुपया ज्यादा नहीं लगता। और अगर आपने किसी को ट्रांसफर किया तो मुझे इमीडिएटली उसके प्रूफ दीजिए, उनके जो कॉन्वर्सेशन या फिर राइटिंग होगा व्हाट्सएप का वो दीजिए। ऐसे लोगों के ऊपर अब हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहेंगे, अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो करके देखिए। इस बार अगर ये प्रूफ हमें मिल गया तो जिसने भी ये किया है, जिसने भी लोगों से ज्यादा पैसे ऐंठे हैं और उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा भेज दिया गया और इसका प्रूफ मिल चुका है, हम उसकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट कर देंगे। आप वापस जा लाइफस्टाइल के साथ जुड़ नहीं सकते, ये गारंटी है। तो सोचिए अगर आपने ये किया तो आपको कितना बड़ा नुकसान होगा और जिंदगी भर वो नुकसान भुगतना पड़ेगा। चंद पैसों के लिए आप जिंदगी भर लाखों करोड़ों का नुकसान कर बैठेंगे। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं गलती से भी ये सारी चीजें मत कीजिए। थर्ड चीज, कुछ लोग कंपनी के जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है जा कॉइन, ओके, उसके नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गलत गलत चीजें बोल रहे हैं, गलत इनसेंस हम आपको देते हैं, हमें इतना पैसा दीजिए, तो ये भी गलती से भी मत कीजिए। ये ऐसी चीजें करना बिल्कुल भी गलत, बहुत ही गलत है, क्योंकि कंपनी जो मैंने जैसे कहा कि शेयर्स और जा पॉइंट्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसके ऊपर किसी भी तरह के आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जैसे ही आपका पीवी पर्सनल वेरिफिकेशन हो जाता है आपको तो वो मिलते ही मिलते हैं, और साथ साथ में आप अगर किसी को स्पॉन्सर करते हो तो भी आपको एज अ स्पॉन्सर के तौर पर आपको ये एक्स्ट्रा जा पॉइंट्स और जा शेयर्स डेफिनेटली मिलते हैं।
और जिसका फायदा आप ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख तक ले सकते हो। ऐसा हो सके 15 तारीख तक अगर ये कंपनी का काउंटडाउन अगर जीरो हो जाता है तो उसके बाद जा कॉइन और क्रिप्टो करेंसी आपको मिलना बंद हो जाए। तो 15 तारीख तक आपके पास वक्त है, 15 तारीख के पहले जितना हो सके लोगों को ज्वाइन करवाइए, उनकी पर्सनल वेरिफिकेशंस करवाइए और ये ज्यादा से ज्यादा चार कॉइन्स और क्रिप्टो करेंसी ले अपने इसमें बटोर लीजिए, ठीक है। साथ साथ में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज से वैलिड हो जाएगी, हम इतना कहते हैं कि लोग प्लीज आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें कंपनी के वेबसाइट पर। इतना कहने के बावजूद भी लोग सुनते नहीं है, लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इन जैसे माध्यम से पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आपसे ये सारे सिस्टम्स अगर आप करते हो और अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप करना चाहते हो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको जीएसटी भरना पड़ेगा उसका। आज आप जीएसटी बचाने के चक्कर में आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते हो, लेकिन जब कंपनी सारे रिकॉर्ड्स निकालेगी उसके बाद आपको उनका जीएसटी भरना पड़ेगा, डेफिनेटली भरना पड़ेगा, इसको याद रखिए। ओके, कंपनी आपका जीएसटी छोड़ने नहीं वाली। अगर इंडियन आईडी है, इंडियन परचेस किया गया है, इंडियन कार्ड से किया है, तो वो जीएसटी आपको आज नहीं तो कल डेफिनेटली कंपनी क्लेम करेगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे का कार्ड यूज करके उसके ऊपर अपने आईडी पर ट्रांजैक्शंस किए हैं और ये बहुत ही गलत है जो कंपनी को अभी फिलहाल पता चला। और उसके ऊपर फिर जिस बंदे का ओरिजिनल आईडी था उसने क्लेम किया और उसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करके घोषित किया। तो ऐसे अगर आप करते हो तो ये बहुत ही गलत है। इसके लिए अगर आपको आगे से कोई भी आपके इसमें वाउचर्स परचेज करने हैं, कुछ भी परचेज करना है, तो अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, ओके, अगर आप करना चाहते हैं तो आपका अगर आईडी है तो आप ही के नाम पे वो कार्ड होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आप थर्ड पार्टी कार्ड से बिल्कुल भी इसे नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, थर्ड पार्टी कार्ड से आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस माने जाएंगे और ये कंपलसरी आप याद रखिए, नहीं तो आपको उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके आईडी के ऊपर कंपनी क्लेम कर सकती है या फिर आपको आईडी टर्मिनेट भी कर सकती है। अगर सामने वाले इंसान ने गलती से भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का नोट ये किया बैंक के थ्रू, तो आपका आईडी कंपलसरी कंपनी टर्मिनेट करेगी। इसके लिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इतना बोलने के बावजूद भी आप यूज करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ही के नाम पे होने चाहिए। किसी दूसरे का कार्ड यूज करके किसी तीसरे के अकाउंट में उसके ट्रांजैक्शन मत कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो भी मैंने आज बताया ये आप प्लीज आपके डाउनलाइन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और ये अपडेट्स अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें एक अच्छा मतलब इस कंपनी में आपकी आईडी सुरक्षित रहेगी, आप अच्छा काम कर रहे हो, नो डाउट। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करके पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हो, तो ऐसे लोग जितने भी हैं मैं ये लास्ट टाइम बता दूं, कंपनी आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी। आप अगर गलत चीज कर रहे हो तो कंपनी अपना नाम खराब नहीं करना चाहती, इसके लिए वो डेफिनेटली एक्शंस लेगी आपके ऊपर। और जब एक्शंस लेगी और अगर आपको अभी तक आप सीरियस नहीं हो चीजों के बारे में और अभी तक आपको लगता है यार छोड़ यार कंपनी क्या कर लेगी, तो देख लीजिए कंपनी क्या लेवल की और अभी फिलहाल कितनी सीरियस हो गई है इस मामले में, आपको खुद को पता चलेगा। एंड लास्टली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप 18 साल के ऊपर नहीं हो तो भी आप अगर रजिस्टर कर रहे हो भूल से भी मत कीजिए। अगर आप 18 साल के ऊपर नहीं हो और फिर भी आप रजिस्टर कर रहे हो या फिर फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो आपके पर्सनल वेरिफिकेशन में, तो भी आपकी आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी, ये भी याद रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग गलती कर रहे हैं, ये 18 साल के अगर आप नहीं हो फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स कुछ भी फेक बनाकर कर रहे हो तो आपकी सारी आईडीज टर्मिनेट हो जाएगी और उसका एक रुपया आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको वापस पैसा मिलेगा आपका जो भी आपने पर्सनल वेरिफिकेशन दिया है। इसके लिए गलती मत कीजिए और ऊपर से कंपनी लीगल एक्शन लेगी वो अलग, क्योंकि कंपनी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आप नहीं जानते तो आजमा कर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये अपडेट्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे